नमस्कार प्रणाम। आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता बंधु व कार्यकर्ता बंधु सभी लोग सहारा इंडिया का जो मामला है भुगतान का उससे काफ़ी दिनों से परेशान है और किसी का भी भुगतान नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी मोटिवेशनल रहने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या कुछ इसमें बताया जाएगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमारी वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख ही दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग पूरा वीडियो रहने वाला है। यदि आपका पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है, सहारा की जो भी सोसाइटीज़ हैं उनमें यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप लोग वीडियो स्किप कर देखते हैं और फिर बाद में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप लोग निगेटिव कमेंट्स करके चले जाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सहारा में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सहारा का जो कार्यकाल था, कार्यक्रम था, वो काफ़ी दिनों से ठप पड़ा हुआ था। तो सहारा में जब नए कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है तो भुगतान की कहीं ना कहीं प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। क्या पूरी जानकारी है इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। निवेशकों के भुगतान हेतु वो हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। समाधान की राह पर सहारा इंडिया चल चुकी है। जल्द ही हम लोगों को न्याय मिलने वाला है। हो सकता है सहारा कार्यालय के द्वारा ही हम लोगों का भुगतान संभव करा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, इसलिए जो है अनेक प्रकार से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नियम के अपनी ओर से नए लाभ दिए जाएंगे जनता को, पब्लिक को, जिससे चुनाव नज़दीक है, चुनाव में लगातार बढ़त बने। आप लोग जानते ही हैं जितने भी सहारा के इन्वेस्टर्स हैं सभी लोग जो है एकदम एंग्री बैठे हुए हैं। तो खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हों, पहली बार विजिट किए हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से जो है अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, हम बात करने वाले हैं कि सहारा इंडिया का भुगतान जो है जल्द ही मिलने के संकेत नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, किस प्रकार से सहारा इंडिया का जो भुगतान है जल्द मिलने का संकेत नज़र आ रहा है, क्या ऐसी खासियत है? दोस्तों, अभी ही हमने शुरुआत में बताया है कि सहारा में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। अब सहारा में जब नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है तो भुगतान हेतु ही ये प्रयास किए जा रहे हैं। अगर भुगतान न होता तो सहारा में क्या कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती? आप ही अपने मन में एक छोटा सा हिसाब लगा लीजिएगा, यहीं से बात पकड़ में आ जाती है। सहारा में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, साथ ही निवेशकों के भुगतान हेतु वो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात कहाँ से निकल कर आई हुई है, कहाँ की ये खबर है, इसकी भी जानकारी आप सभी को बता दें। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे निवेशक बंधु हैं उन सभी के भुगतान हेतु हर एक प्रकार का संभव किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ के हेड ऑफिस में समाधान की राह पर चल पड़ी है सहारा इंडिया। सहारा की जो हेड ऑफिस लखनऊ है, कुछ लोग कमांड ऑफिस भी बोलते हैं, जो कुछ भी हो आपके हिसाब से, चाहे हेड ऑफिस कह लें या कमांड ऑफिस कह लें, तो सहारा इंडिया जो है समाधान की राह पर चल पड़ी है। मैं बताने वाला हूँ ये पूरी खबर जो है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी इसकी अभी और बाकी है, उसको भी जान लीजिएगा। लखनऊ के हेड ऑफिस यानी कि कमांड ऑफिस से प्रमुख कार्यालय है, वहाँ से ये खबर निकल कर आ रही है। वहाँ से निवेशकों के भुगतान हेतु अनेक प्रकार से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, संभव प्रयास किए जा रहे हैं नए से नए, और दोस्तों जल्द ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा।
जल्द परिणाम कब देखने को मिलेगा, इसकी जैसे ही जानकारी अगली मिलेगी तो तुरंत आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। देखिए दोस्तों, निवेशकों हेतु जो है ये कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही, बहुत से हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का रोजगार ठप पड़ा हुआ था, क्योंकि जब लेन देन चल ही नहीं था रहा था, सहारा कार्यालय बंद थे, सहारा कार्यालय के माध्यम से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा था, न पैसा जमा हो रहा था न पैसा निकाला जा रहा था, तो इससे निवेशक बंधु भी परेशान है, उनका पैसा फंसा है। वहीं देखा जाए तो कार्यकर्ता बंधु भी हमारे परेशान है, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, यानी उनका रोजगार नहीं चल पा रहा है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता बंधु हैं जिनका पैसा भी इन्वेस्ट है सहारा इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो दोस्तों जिसका परिणाम आपको जो है जल्द ही देखने को मिलेगा, जो सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ पहले हेड ऑफिस कमांड ऑफिस जो कुछ भी हो, ऐसा बताया जा रहा है कि जो भुगतान है निवेशकों का पोर्टल के माध्यम से, आप लोगों ने खूब ही समझ लिया है कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो पाएगा, तो हर एक प्रकार से संभव प्रयास किए जा रहे हैं, अथक प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है हम लोगों का भुगतान जो है सहारा कार्यालय के माध्यम से ही हो, सहारा कार्यालय के माध्यम से ही हो। दोस्तों आप एक बार ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि अगर हम लोगों का जो भुगतान है सहारा कार्यालय के माध्यम से हो, यानी ब्रांच के माध्यम से हो, काउंटर के माध्यम से हो, ऑफलाइन माध्यम से हो, भाई ऑफलाइन माध्यम से अगर हम लोगों का भुगतान हो तो कैसा रहेगा, आप लोग किस प्रकार से भुगतान लेना चाहते हैं। हमारे सभी निवेशक बंधुओं का एक ही डिमांड है कि हमारा जो पैसा है ऑफलाइन मिलना चाहिए, कार्यालय के माध्यम से मिलना चाहिए। ऑनलाइन भुगतान लेने से हमारे जितने भी निवेशक बंधु हैं इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से भुगतान उनका नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों जो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये प्रक्रियाएं जल्द ही सफल हो जाएं, अगर ये प्रक्रियाएं जल्द ही सक्सेस हो जाएं, तो हम लोगों का जो भुगतान है उसमें देरी नहीं लगेगी, भुगतान की भी प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। अब सहारा में नए कर्मचारियों को धीरे धीरे अलग अलग डिपार्ट पर नियुक्ति किया जाएगा, अब जब नियुक्त किया जाएगा उसके बाद में ही सहारा भुगतान को लेकर थोड़ा बहुत प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उसमें जो है थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर लगेगा। तो ये खबर आज निकल कर आई हुई थी सहारा हेड ऑफिस लखनऊ या कमांड ऑफिस कह लें, जो भी आप लोग समझते हों, तो वहाँ से ये खबर निकल कर आई, तो मैंने सोचा वीडियो थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशनल है समझा दूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो को जो है यहीं पर विराम करना चाहेंगे, एंड करना चाहेंगे, और जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।